सुप्रीम कोर्ट की तरफ से शनिवार को सुनाए अयोध्या विवादित राम मंदिर फैसले के बाद अलर्ट पर पुलिस प्रशासन द्वारा हर जगह पैनी नजर बनाए रखी गई है। वहीं प्रयागराज में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था ने प्रयागराज के मध्य नगरवासियों ने किया फैसले का स्वागत। नगर के विभिन्न स्थानों पर जहां पीएससी और जिला पुलिस और अन्य सुरक्षा समितियों ने रात से ही डेरा जमा लिया था, अति संवेदनशील इलाकों को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। इस निर्णय में हम लोगों को ये करना है कि माननीय न्यायालय का निर्णय जो है वो सर्वमान्य है और हमें उस पर किसी प्रकार की टीका टिप्पणी नहीं करनी है और उसको जैसा आदेश निर्देश जो भी आता है उसका हमें अनुपालन करना है, ठीक है। इसके लिए हमें सतर्क दृष्टि रखनी है, कोई ऐसा हमारी टीम लगेगी और ऐसे लोगों पर नज़र रखेगी कि वो हमारे किसी भी जो शांति का भाव है, हम लोग जो आपस में भाईचारे से रह रहे हैं, कोई इसमें खुराफात करके हमारी शांति को भंग ना कर दे, हम इसलिए अलर्ट हो रहे हैं। हम तो शांत से और भाईचारे से है ही, लेकिन कोई ऐसे मंसूबे वाला आदमी जो हमारे भाईचारे को ख़त्म करना चाहता है वो अपने मंसूबे में सफल ना होने पाए, इसलिए हमारी अलर्टनेस है, ठीक है। पर नगरवासियों ने फैसला आने के बाद जहां खुशी जाहिर की, वहीं पर दोनों समुदाय के लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को सही करार देते हुए मुल्क में अमन और चैन के लिए दुआएं भी की। बाबरी मस्जिद और मुस्लिम पैरोकार इकबाल अंसारी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि इससे अच्छा फैसला नहीं हो सकता था और इसका सम्मान करना दोनों समुदाय के लिए एक नए भाईचारे का मार्ग खोल देगा। वहीं प्रयागराज के मुस्लिम समुदाय के पक्षकार चांद मियां ने कहा कि हम लोग हमेशा से एक दूसरे की तीज त्योहारों को बड़े अमन और सुकून से मनाते आ रहे हैं, इन बातों का हमारे सामाजिक रिश्तों में कोई असर नहीं पड़ेगा। इसी विषय में उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायविद और बार अध्यक्ष राकेश पांडे का कहना है कि ये आदेश राष्ट्रीय एकता व सौहार्द का सबसे बड़ा उदाहरण है और इसका सम्मान होना जरूरी है। अब हम सभी को मिलकर राष्ट्र निर्माण में सहयोग करना चाहिए। अखाड़ा परिषद के प्रमुख नरेंद्र गिरी महाराज का कहना है कि जैसा फैसला हिंदू समाज चाहता था वैसा ही फैसला हुआ और हमें इसको मान्य कर लेना चाहिए। मस्जिद निर्माण पर कहा कि मस्जिद बनाना चाहिए, बनने पर हमें कोई ऐतराज नहीं है, पर यह मस्जिद अयोध्या के बाहर बने और केंद्र सरकार मंदिर निर्माण के लिए जिस ट्रस्ट का निर्माण करेगी उसमें अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद को भी शामिल करना होगा और सभी हिंदू संगठन एक होकर राम मंदिर का निर्माण करें। अध्यक्ष अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद लेटे हनुमान मंदिर बागमरी गद्दी प्रयागराज, आप सभी भारतवासियों से यह अपील करता हूँ या निवेदन करता हूँ कि आज वह घड़ी आ गई है जिससे भारतीय एकता और अखंडता का परिचय देना पड़ेगा। यह फैसला न हिंदुओं के पक्ष में है न मुसलमान के पक्ष में है, यह फैसला पूरे भारतवासियों के पक्ष में आएगा। मुझे पूरा संविधान भरोसा है, न्यायपालिका भरोसा है, हम लोग आशावादी हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि यह फैसला राम जन्मभूमि के पक्ष में आएगा। आप सब लोगों से निवेदन है कि फैसला आने के बाद सारे संत महात्मा, पूरे भारत के जितने धर्मगुरु हैं, सभी से निवेदन है कि आप सब अपील करें, हमारे यहाँ भाईचारा कायम रहे। एक हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब हम आपस में भाई भाई हैं, यह कहावत भी है। आज उसका हम लोगों का परीक्षा देने का समय है। सभी लोगों से, जितने भी धर्मगुरु हैं, चाहे हिंदू के हों चाहे मुसलमान के हों, हम सबसे निवेदन कर रहे हैं कि आज आप सभी अपने अपने जितने आपके मानने वाले हैं, जितने आपके शिष्य हैं, उनके माध्यम से, भारत की जो सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोग सबसे निवेदन करें कि फैसला आने के बाद सौहार्द बनाते हुए भारत की एकता अखंडता को कायम रखें। एक बार पुनः हम सबसे निवेदन करते हैं कि फैसला किसकी भी पक्ष में जाए वह सहर्ष स्वीकार करें, पर मुझे पूरा भरोसा है कि यह फैसला राम जन्मभूमि के पक्ष में आएगा। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।